ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पार्ट फोर आज डिस्कस करेंगे वो है फिजियोग्राफी ऑफ जीएनके, जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी होता है इसके फिजिकल फीचर्स। जम्मू एंड कश्मीर लाइज मेजरली इन द हिमालयन माउंटेन रीजन। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है? हिमालयन माउंटेन रीजन में है। इट कैन बी डिवाइडेड इन टू सेवरल फिजिकल डिविजन्स। इसे बहुत सारे फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आते हैं प्लेन्स। द प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन आर कैरेक्टराइज बाई इंटरलॉकिंग सैंडी एलुवियल फैंस दैट हैव बीन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन एज। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ चिनाब, रवि, तवी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो प्लेन्स हैं जम्मू रीजन के वो किससे बने हैं? एलुवियल फैंस से बने हैं। और कब बने थे ये? प्लीस्टोसीन एज में। प्लीस्टोसीन एज मैंने आपको बताया है लास्ट आइस एज में जम्मू के प्लान जो थे ये बने थे। और ये प्लान्स किससे बने थे, किसके डिपोजिशन से बने थे? चनाब, रवि, तवी और इसकी ट्रिब्यूटरी से जो है ये जम्मू के प्लान्स बने थे। आउटर प्लान्स जो जम्मू के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोकली नोन एज अंधरवा और बाजवत। द प्लान्स इज ट्रेवर्स्ड बाय हिल टोरेंट्स लोकली नोन एज खड। दिस रीजन स्ट्रेच इन द साउथर्न पार्ट ऑफ अखनूर, आर एस पुरा, सांबा एंड द कठुआ एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे बहुत सारे हिल टोरेंट्स हैं जिन्हें खड कहा जाता है। ये रीजन कहाँ पे पाया जाता है? साउथर्न पार्ट अखनूर के, आर एस पुरा, सांबा एंड द कठुआ एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है फुट हिल्स। फुट हिल्स जिनको हम शिवालिक भी कहते हैं फॉर्म्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। ये हिमालयस की आउटर मोस्ट रेंज है। फुट हिल्स क्या है? जिसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की। एवरेज हाइट इसकी वैरीज है 600 से लेके 1220 मीटर अबव सी लेवल। जम्मू इज लोकेटेड इन द साउथर्न स्लोप ऑफ शिवालिक हिल्स। जम्मू कहाँ पे लोकेटेड है? शिवालिक हिल्स के साउथ में। द आउटर जोन कंप्राइज ऑफ लॉन्ग रिज एंड लॉन्गिट्यूडनल वैली नोन एज दूंस। जो आउटर जोन है उसमें लॉन्ग रिज हैं और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? दूंस। जहाँ दूंस कौन कौन से दूंस आ गए? उधमपुर, बसोली, रामबन, सुंदरबनी। और ये दूंस किससे बने हैं? यहाँ पे इरोजन हुई है क्ले, सैंडस्टोन और सिल्ट की इरोजन से ये जो है दूंस जो है वो बने हैं। इनर जोन में सेडिमेंट्री रॉक है और इन सेडिमेंट्री रॉक के फोल्डेड हुए और इनसे क्या बनी है? स्टीप स्लोप बनी है और प्लेटूज बने हैं। पार्ट थर्ड है इसका नेक्स्ट मिडिल हिमालयस, लेसर हिमालयस, पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय भी कहते हैं, पीर पंजाल भी कहते हैं और धौलाधर भी कहते हैं। पीर पंजाल कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसका नाम पीर पंजाल है। और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में से कहते हैं। एवरेज हाइट जो है मिडिल हिमालय की वो 1400 से लेके 4100 मीटर अबव सी लेवल। दिस रेंज लाइज बिटवीन रावी इन द ईस्ट एंड पुंछ इन द वेस्ट। ये रेंज जम्मू कश्मीर में कहाँ से कहाँ तक है? रावी से लेके पुंछ तक। दिस रीजन इज कम्पोज ऑफ वॉल्केनिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट, जेनेसिस, क्वार्ट्स एक्स्ट्रा। इसमें वॉल्केनिक रॉक है कौन कौन से? ग्रेनाइट, जेनेसिस और क्वार्ट्स। इस रीजन में कौन कौन से रॉक है? किससे बनी है ये? वॉल्केनिक रॉक से, ग्रेनाइट, जेनेसिस और क्वार्ट्स से। वैष्णो देवी इज सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन इन दिस रेंज। जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी का मंत्र कहाँ पे सिचुएटेड है? त्रिकुटा माउंटेन्स में और इसी रेंज में है, मिडिल हिमालयस में। नेक्स्ट आपका ग्रेट हिमालयस। दिस रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज। अब पीर पंजाल रेंज है उसकी नॉर्थ में कौन सी रेंज है? ग्रेट हिमालयस, पीर पंजाल या मिडिल हिमालयस भी हम इसे कह सकते हैं। द आल्टीट्यूड इंक्रीज स्टीडली टूवर्ड्स द नॉर्थ, एवरेज हाइट 6100 मीटर। जैसे ही हम नॉर्थ में जाएंगे तो इसका आल्टीट्यूड इस रेंज का बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एवरेज हाइट जो है इसकी वो है 6100 मीटर। नेक्स्ट है आपकी उसके बाद जस्कर रेंज। जस्कर रेंज एवरेज हाइट 4500 से लेके 6100 मीटर। आल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इंक्रीज टूवर्ड टू द नॉर्थ। जैसे आप नॉर्थ में जाओगे इस रीजन का आल्टीट्यूड वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जस्कर एंड सुरू रिवर फ्लोज इन दिस रेंज। दो रिवर यहाँ से फ्लो करते हैं, एक है जस्कर और दूसरा है सुरू। काराकोरम रेंज। दिस रेंज लाइज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ जस्कर रेंज। जस्कर रेंज के नॉर्थ में कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम K2 भी है और इसे गुडविन अस्टिन भी कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। इज सिचुएटेड इन दिस रेंज।
काराकोरम रेंज में वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है हिमालयस माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, सॉरी माउंट एवरेस्ट, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो के टू गुडविन एस्टी, वो ऐसे में है। कहाँ पे है वो? काराकोरम रेंज में। वो कहाँ पे है? वो पीओके में। जस्कर एंड काराकोरम रेंज प्रिवेंट द कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। जस्कर और काराकोरम रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करते हैं कि जो कोल्ड विंड आती है सेंट्रल एशिया से उसको इंडिया में एंटर होने से रोकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक। ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक से बनी है। पामीर नॉट विच लाइज इन द काराकोरम रेंज अराउंड इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर नॉट जो काराकोरम रेंज में है इसे क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है पामीर नॉट को। नेक्स्ट आपकी लास्ट जो वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर वॉल शेप है। इसमें पीर पंजाब और ग्रेट हिमालय के बीच में है। लाइज बिटवीन द पीर पंजाब एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालय। पीर पंजाब और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालय के बीच में जो बॉल शेप वैली है वो वैली ऑफ क्या है? कश्मीर। इसकी ये कितनी विड्थ है, कितनी चौड़ी है? द वैली इज 100 किलोमीटर वाइड एंड 15,203 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। लगभग ये 100 किलोमीटर चौड़ी है और 15,203 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। एवरेज एलिवेशन है 1,850 मीटर। और ये बनी किससे है? लैकोस्टीन। लैकोस्टीन मैंने आपको बताया था जो स्टील वाटर सेडिमेंट है जिन्हें हम क्रेवास कहते हैं उससे बनी है ये, एज वेल एज एल्यूवियम डिपॉजिट बाय द अपर झेलम रिवर। अपर झेलम रिवर के जो एल्यूवियम डिपॉजिट है उससे ये वैली बनी है। और तीन इंपॉर्टेंट और साइड वैली है इसमें, कौन कौन सी है? एक है लितर वैली, सिंध वैली और लोलाब वैली।